थोड़ी कॉमन सी सब्जी है कहने सुनने के लिए, पर जब आप इस प्रोसेस से बनाओगे तो जो मैंने नहीं भी खा रहा है ना उसको भी वैगन खाना आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या लेना है, एक बड़ा वैगन लेना है वैसे तो, पर मेरे पास थोड़ा छोटा साइज है तो मैंने दो ले लिए, दो ही मीडियम आलू चाहिए यहाँ पे। तो इनको पहले स्लाइसेस करना है, ब्रिक करना है, ब्रिक करके नमक लगा के रखना है। तो उस प्रोसेस को मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसके लिए हमारा छोटे गोल स्लाइसेस में काटती हूँ। तो ये कम से कम आधा पौना इंच मोटा स्लाइसेस है मेरे, इसको फ्लिप करना है। इसको भी फ्लिप कर लेते हैं। बैंगन और आलू सभी स्लाइसेस पर फ्लिप हो गए हैं जो मेरे, नमक लगाकर मैं रख रही हूँ। दोनों तरफ नमक लगा रही हूँ, मैं नमक लगा लिया 15-20 मिनट के लिए। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद वॉश करके फिर बनाते हैं खाना। मैंने बैंगन और आलू मैंने धो लिए हैं और अब इन पे मैं सबके मसाला लगाकर पैन में रखूंगी जिसमें मेरे को बनाना है। तो करना क्या है, सबसे पहले कि सारे मसाले 3 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इन सबको मिक्स करके उनको ऊपर लगा लेते हैं। और बारी बारी पहले मैंगो नीचे लेयर करेंगे तेल के ऊपर और उसके बाद आलू, फिर इसको लेयर करती हूँ जल्दी से लगाकर। बैंगन में मसाला लगा रही हूँ दोनों तरफ और ये अरेंज कर रही हूँ, मैं अरेंज कर रही हूँ। गैस धीरे से जला लेती हूँ जिससे काम रखती है। इसके ऊपर मैंने 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, सारा मसाला इसके ऊपर डाल रही हूँ और एक चम्मच में मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया। अब इसको मैं ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने अभी गैस तेज कर दिया, फिर थोड़ी देर में स्लो करूँगी। 7-8 मिनट हो गए हैं और मैं इसको खोल के एक बार ऐसे हटा रही हूँ नीचे से। 20 मिनट तकरीबन लगेंगे इसको बनने में, तो एक बार फिर से हम ढक के दोबारा रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको पलट रही हूँ। 4-5 मिनट इसको और चाहिए और ये तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार है सब्जी। और इसको उछाल करते हैं, ये देखिए त्रिकोरा ना, आराम से त्रिकोरा सब गल गया। तो मैं इसको पलट रही हूँ, अभी इसको कड़ाके में बना रही हूँ ना, अगर आप तो फिर ये थोड़ी लिसलिसी सी हो जाती है। ऐसे खुली बड़ी पैन में बनाओगे तो वही ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी। ताकि और एक यार इस प्रोसीजर से आप आलू बैंगन बनाकर देखिए, और अगर कोई नहीं भी खा रहा ना तो इस सब्जी को खाना सीख जाएगा, गारंटी है। थैंक यू।